मैं एक चीज को गई हूं भांप, भांप मतलब समझ गई हूं, मैं एक चीज को गई हूं भांप कि टीआरपी तब आती है जब आप बन जाते हैं सांप। आपको लेकर चलते हैं मेरी गुड़िया सीरियल के सेट पर, जहां पर माधुरी सांपों से लड़ रही है। मतलब यहां पर भी नागिन की एंट्री हो गई है, माय गॉड। दिखाते हैं आपको ये पस, पस वाली झलक। माधुरी पर नागिनों ने किया हमला, क्या ये है मेरी गुड़िया और नागिन का महासंगम? वेल, मेरी गुड़िया में नागिन की एंट्री का सस्पेंस बाद में खोलेंगे, लेकिन ये क्या हुआ? मेरी गुड़िया के सेट पर हर कोई खांस क्यों रहा है? क्या मेरी गुड़िया के सेट पर कोरोना वायरस का अटैक हुआ है? सबको पता है कोरोना वायरस किस तरह से फैल रहा है। इन द सीन वी आर कफिंग और हम खांस रहे हैं, थोड़ी हंसी भी आ रही थी, लेकिन हम क्यों खांस रहे हैं? कहीं हमें भी किसी को शो में हम वायरस दिखा रहे हैं? ये कोरोना वायरस वाली खांसी नहीं है, बल्कि माधुरी की फैमिली पर राहु के बाद केतु ने हमला कर दिया है और उसने पूरे घर को धुआं धुआं कर दिया है। राहु तो था ही, अब केतु भी आ गया है और माधुरी का जीना हराम कर दिया है, बिकॉज नाउ शी डज नॉट नो हाउ टू सेव हर डॉटर। और बच्ची तो बचा ही नहीं पा रही है, ऊपर से घर वाले और पति की भी जान खतरे में, तो देखते हैं पहले वो किसे बचाने जाती है। फिलहाल तो माधुरी सबको माता रानी के शरण में लेकर आई है और आरती के धुएं से वो केतु का जादू तोड़ रही है और अब उसका मकसद है अपनी बेटी को बचाना। एक माँ की शक्ति को तो समझ ही नहीं पाया। मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी और पवित्र जल जरूर लेकर आऊंगी। बेटी को तो बाद में बचाइएगा माधुरी जी, अभी तो आप केतु की सर्प सेना से निपटिए। केतु शक्तिशाली है तो माधुरी भी वंडर गर्ल है, उसने हवा में उड़कर सांपों को पकड़ लिया है। ये वंडर गर्ल अब केतु से अपने परिवार और बेटी को कैसे बचाएगी, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो मैडम खुद को कोरोना वायरस से बचाने में लगी हैं। एहतियात बरतो। जो मेरे सर है ना, ये हमारे डायरेक्टर सर है, इन्होंने मुझे आइडिया दिया कि अलीशा बी सेफ, माइक थोड़ा दूर रखना, है ना सर? पूरे देश को सेफ रहना, पूरे देश को सेफ रहना जी। और आज हमने हाथ भी नहीं मिलाया किसी से, हम सबको नमस्ते कह रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।